हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शक्करपारे की रेसिपी, यानी कि खुरमे की रेसिपी। ये रेसिपी ऐसी है, एक बार आप बनाएंगे तो काफ़ी दिनों तक आप इसे स्टोर करके खा सकते हैं। और ये यूपी बिहार का फेमस रेसिपी है, वहाँ ज़्यादातर ये मशहूर है। तो देखिए, यहाँ पर हमने बिल्कुल दुकान वाले हलवाई स्टाइल में बना के रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, जिसमें हमने लिया है यहाँ एक कटोरी मैदा। तो एक कटोरी मैदे से मैं नहीं बनाऊंगी, मैं दो कटोरी यहाँ मैदे लेने वाली हूँ। तो मैदा यहाँ हम ले लेते हैं एक कटोरी। इसी कटोरी से हम एक कटोरी और मैदा डालेंगे इसके अंदर। मैंने यहाँ तीन कटोरी लिया है मैदा। और यहाँ पे मैंने घी को, देसी घी को मैंने गरम कर लिया है। तो आप देख सकते हैं घी काफ़ी ज़्यादा गरम नहीं है, बहुत कम गरम करना है। तो इसमें घी को हम डालेंगे। देसी घी में मैं खुरमे को बना रही हूँ और ये बहुत टेस्टी बनता है। यकीन मानिएगा, आप एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा। हलवाई से कहीं गुना अच्छा आप बना सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे हम, और इसे मोइन देना बहुत ज़रूरी है। तो घी की क्वांटिटी ज़्यादा ही होनी चाहिए। मैं यहाँ एक गिलास के करीब, यानी कि 250 ग्राम मैंने घी लिया था, गरम किया था। तो देखिए, घी में बहुत अच्छे से ये डो जैसा बनने लगा है। और इसी तरह से हमने अच्छे से मसल लिया है, बहुत अच्छे से बाइंड भी हो रहा है। और अब मोइन पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। हमें शक्करपारा हम बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें कोई भी अदर चीज़ नहीं डालेंगे। अब हल्की सी हम गरम पानी इसमें डालेंगे। मैंने गरम करके गुनगुना पानी लिया हुआ, गरम पानी से इसका डो तैयार करना होता है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे बांधते जाएंगे। इतना गीला नहीं करना है, इसे हमें बहुत ही टाइट रखना है। तो इसीलिए हमें ध्यान में रख के पानी को ऐड करना है। थोड़ा सा और डालेंगे पानी, अभी अच्छे से ये बाइंड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने पानी डाल दिया है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, मसलते हुए हमने डो को तैयार कर लिया है यहाँ पे। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़े इसमें हार्डनेस है, इसे थोड़ा सा मसलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसे साइड रख दिया है। अब यहाँ हम एक प्लेट लिए हैं, और जिस कटोरी से मैंने मैदे को लिया था, सेम उसी कटोरी से हम यहाँ पे चीनी लेंगे। तो आप देख सकते हैं, दूसरी कटोरी चीनी मैंने ले ली है, दो कटोरी मैंने चीनी लिया हुआ। मैदा कितना था, तीन कटोरी। तो थोड़ा चीनी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और तो चीनी को हम कढ़ाई में डाल देंगे, और उसके बाद से उसी कटोरी से एक कटोरी में इसमें पानी डाल देंगे। एक कटोरी से ज़्यादा पानी नहीं डालना, चीनी को मेल्ट होने देते हैं। तब तक आइए खुरमे को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आटे को थोड़ा सा मसल ले रहे हैं। छह हमने इसमें लोई बना के रखा है, छह पीसेस बनाने हैं हमें। तो मैंने छह एक डिवाइड कर दिया छह भागों में। तो एक भाग को लेंगे और इस तरह से मसलते हुए देखिए कितना अच्छा आटा तैयार हुआ है मैदे का। तो इस तरह से एक लोई बना लेंगे, और सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है इस पे। और इस तरह से बेलते जाएंगे। इसमें घी इतना ज़्यादा है कि वैसे भी नहीं चिपकने वाला है। तो एक मोटी वाली जो रोटी होती है, उसी शेप में इसे हमें बेल लेना है। बहुत मोटा नहीं, बहुत पतला नहीं, मीडियम में। तो देखिए, आप देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये रोटी कितनी बड़ी है और क्या मतलब इसकी साइज क्या है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने बेल लिया है। अब जो आउटर पार्ट है, उसे हम काटे, आप चाहें तो काट के निकाल सकते हैं। यहाँ मैं नहीं काट रही हूँ, मैं डायरेक्ट इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से फटाफट इसे काट दीजिए। अब इधर से भी काट देंगे। तो इस तरह से हमें चौरस पीस में इसकी कटिंग कर लेनी है, और एक एक दाने को छुड़ा लेना है। देखिए,
इजिली छूट जाता है, कोई भी चिपकने वाली इसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि ये ऐसे 2 घंटा 4 घंटा आप छोड़ भी देंगे तो ये नहीं चिपकेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे घी हैं। अब दूसरी रोटी को भी हमने बेल रखा है फ्रेंड्स, अब उसकी भी कटिंग हम वैसे ही करेंगे। अब उसे भी हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाले को किया था। तो यहाँ पे आप देखिए, फिर से हमने खुरमे को इस तरीके से काट लिया है, इसे हम प्लेट में रख देंगे। तो फाइनली सारे खुरमे को हमने इसी तरीके से बना के रेडी कर लिया है। हमने रख दिया है गैस पे कढ़ाई, कढ़ाई जैसे ही गर्म होगा उसमें हम ऑयल डालेंगे। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है, आप जो ऑयल डेली यूज में लेते हैं उस ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो ऑयल हमने डाल दिया है, ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म होने देना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हम खुरमे को डालते जाएंगे, और डालने के बाद गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे, नहीं तो ये ऊपर से तल जाएगा नीचे से थोड़ा कच्चा रह जाएगा। तो जितना हम लो फ्लेम पे इसे तलेंगे उतना ही अच्छे से तल पाएगा, और थोड़ा इसे टाइम लगेगा तलने में। जब ये क्रैक होने लगेगा तो आप समझ लीजिएगा कि बहुत अच्छे से पक चुका है अंदर से बिल्कुल। तो हम आपको दिखा देते हैं कि ये क्रैक होने लगेगा जब ये पूरी तरह से तल जाएगा तो खुरमा। तो अभी नहीं ये हुआ है, इसी तरह चलाते हुए लो फ्लेम पे हमें इसे तलना है। कम से कम 1 बैच को तलने में 9 से 10 मिनट लगते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये किस तरीके से एकदम क्रैक हो चुका है, और इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में पहले। फिर हम दूसरा बैच भी डाल दिए हैं इसमें तलने के लिए। आप इसकी साइज देख के अंदाजा लगा सकते हैं कितने फूले फूले से हुए हैं। तो फाइनली सारे खुरमे को यहाँ पे मैंने तल लिया है, आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही कड़क हुआ है, टूट भी नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से बहुत ही खस्ता हुआ है। तो आइए चलते हैं देखने चाशनी को। चाशनी का मेजरमेंट बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे ही चीनी गल जाएगा हमें 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं तैयार करनी है, हमें बस चीनी को इसके अंदर मेल्ट कर देना है। 2 कटोरी मैंने चीनी लिया है, 1 कटोरी पानी लिया है, इसका ध्यान रखें। 3 कटोरी चीनी लें तो 1.5 कटोरी से थोड़ा कम पानी लें। तो यहाँ पे चीनी मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो जैसे चीनी गल जाएगा तो ये उबलेगा तो झाग बनेगा, तभी हम गैस को, झाग जैसे बनने लगा हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे, एकदम लो कर देंगे। अब हमारी चाशनी पूरी तरह से पक चुकी है फ्रेंड्स। ये खुरमा बनाना बहुत ही इजी है, और इसे रख सकते हैं आप लॉन्ग टाइम के लिए, बच्चे बहुत एंजॉय से खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बस 1 तार जैसा, बाल जैसा निकलने लगे तो समझिए चाशनी कंप्लीट बन चुकी है, बस इसका ध्यान रखिए। तो अभी पूरी तरह से चाशनी बन चुकी है, अब बहुत तेज पकड़ वाले से हमें कढ़ाई को पकड़ लेना है, और सारे खुरमे के इसके अंदर डाल देना है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से इसे चलाना होगा। तो देखिए हम यहाँ पकड़ लेते हैं और इसे कंटिन्यू चलाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि जो ग्रेवी है, जो मतलब चाशनी है, खुरमे के अंदर अच्छे से सेट हो पाए। तो इसी कंडीशन में फ्रेंड्स गैस को हमें बंद नहीं करना है, चलाते रहना है। तो यहाँ पे 5 मिनट चलाने के बाद हमें गैस को ऑफ कर देना है। तो आप खुरमे का कलर देख रहे हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा, बाजार जैसा लग रहा है, क्या हलवाई से कम बना है ये, आप खुद भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आप भी ऐसा बना के स्टोर कर सकते हैं। तब हम गैस को बंद करेंगे, जैसे गैस को बंद करेंगे उस हिसाब से, मतलब जैसे जैसे चाशनी ठंडा होगा ये वाइट होता जाएगा।
तो यहाँ पे गैस बंद हो गया है और देखिए चाशनी जो है वाइट होता जा रहा है, लेकिन चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ना, इसे कंटिन्यू चलाते रहना है फ्रेंड्स। तो आप देखिए खुरमे के ऊपर जो शक्कर है वो चढ़ रहा है और खुरमा का कलर चेंज हो रहा है चीनी जैसा। तो यहाँ पे इस तरीके से चलाते हुए देखिए ड्राई होने लगा है, और जितना ये ठंडा होगा उतना ही ड्राई होगा, इसीलिए कंटिन्यू चलाना है कि सारे खुरमे पे चीनी का असर आ जाए। तो इस तरह से देखिए अभी एकदम ये टाइट हो गया है खुरमा। तो हमने इसे सर्व कर लिया है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा ये रेसिपी आपको हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह से न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबसे टेक केयर, धन्यवाद एंड बाय बाय।